अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और यू कैसे हैं? सब ठीक ठाक होंगे? जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मैं अपने फर्स्ट सेटअप की शेड की प्रोग्रेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड देन सेकंड वन जो है वो बाद में आपसे डिस्कस की जाएगी, शेयर की जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला आज मौका मिला तो आज इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करते हैं कुछ मजीद एक्सपीरियंस भी। पिछला सेटअप जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो उसके अंदर जो है वो बॉक्सेस वगैरह एंड मैंने केस साइज वगैरह का आपको बताया था। अब मैं आपको बताऊँगा कि कम जगह के अंदर और किस तरीके से आप अच्छी पेयरिंग और सेटिंग के फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस केज का साइज़, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको केज की तरफ से बता चलूँ, फिर मैं आपको बर्थ की तरफ लेके चलूँगा। इसके अंदर भी माशाल्लाह से 8 पेयर्स का सेटअप है, सही है, क्योंकि फ्रंट वॉल के ऊपर जो है वो सेटअप किया गया है, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये केज साइज़ जो है ये सिंगल पोर्शन है ना, सही है, ये सिंगल पोर्शन आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये पूरा एक पोर्शन है, ठीक है। और ये एक चार फ्लोर समझ लें कि चार फ्लोर का जो है क्या कहते हैं वो एक केज है, ठीक है। 2x2x1.5, सही है, वैसे आइडियल साइज़ 2x2x2 का जो है वो कॉकटेल के लिए होता है, पर मुझे अनफॉर्चुनेटली जो है वो ये अवेलेबल हुआ, ठीक है। फिर जिन भाई और दोस्त मेरे हरदिल अजीज दोस्त हैं वो अपना सेटअप ख़त्म कर रहे थे, ठीक है, उनसे मैंने ये तकरीबन एडल्ट पेयर लिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जो है वो इनका सेकंड और थर्ड कुछ का थर्ड जो है वो क्लच है मेरे पास, ठीक है। ये सारे तकरीबन पाइट, इनो पाइट, चारकोल पाइट, चेरी, साइनामैन, पर्ल पाइट, सही है, इस तरीके की वर्किंग के कुछ पीसीज हैं, और माशाल्लाह से ये क्वालिटी जंबो साइज़ वाली क्वालिटी है, ठीक है, जिसको मैंने अपने शर्ट के अंदर थोड़ा सा ज़रा देखा है। बाकी मुझे शौक जो है वो क्रीम और चारकोल टाइप की बर्ड्स का था, बट ये कि उनसे ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि जो है वो उन्होंने अपना सेट जो है वो मुझे दिया, और तकरीबन सारे जो है वो पेयर्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें एक इनो की फीमेल है और पाइट कह सकते हैं आप इसको, या सैनवन पाइट कह सकते हैं, वाइट फेस चारकोल पाइट या फोन पाइट के अंदर का कह सकते हैं, कि थोड़ी सी वर्किंग जो है वो तीनों के साथ की गई है। ये पेयर एज इट इज़ था, ठीक है, ये अभी बिल्कुल फारिग हुई हैं, इनके बेबी सेल आउट कर दिए गए, ठीक है, वो हैंड टेंस वगैरह के लिए आजकल लोगों को शौक हुआ है, तो वो बस ले जाते हैं, कुछ दोस्त हज़र आते हैं। ये सेकंड पेयर देखेंगे, इनके साइज़ मुझे बहुत पसंद है, मेरा बड़ा फेवरेट पेयर है ये, ठीक है। ये स्प्लिट है फेलो के, ठीक है, और ये पाइट वही वाइट फेस के अंदर जो है वो ये कॉकटेल आया था, और ये इसको अगर ये ऊपर जाके अभी बैठे तो फिर मैं आपको साइज़ का अंदाज़ा करवाऊँगा इनके, ये माशाल्लाह से, और ये यंग पेयर है मेरा, ये अभी तक ब्रीड पे नहीं आए, जबकि इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है, ठीक है, और साथ बैठे होते हैं और बड़े फ्रेंडली हैं, ठीक है, मेरे साथ भी बड़े फ्रेंडली हैं, ठीक है। इनको देखते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि ये इधर उधर रहते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं इनको ये देखें थोड़ा सा ज़रा झटका देने की कोशिश करता हूँ। इनकी तो फेदर मार्किंग है ना वो मुझे बड़ी पसंद है, जिस तरीके से आप कबूतरों के साथ देखते हैं ना, दो बास कबूतर टाइप के, बिल्कुल साइड की गलियाँ वाइट होती हैं, बाकी कलरफुल होते हैं इस तरीके से। तो व्यूअर्स आप इनका साइज़ देख सकते हैं, ये देखें, अब आप साइज़ का आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा, इनका साइज़ माशाल्लाह से जो है वो बड़े हैवी साइज़ के पीसेज हैं ये। एंड थर्ड वन, सही है, वो आप ये देख सकते हैं, ये माशाल्लाह से फिर दोबारा सेटिंग के ऊपर आता हुआ पेयर, बल्कि सेटिंग में गलत किया गया, सही है, इन्होंने सिक्स निकाले थे, इनकी सेकंड टाइम की लेंगे, जिस तरीके से डेडिंग शैल हुआ है, सही, आपको बता सकूं। ये भी आप देख रहे हैं वाइट फेस चारकोल पाइट का जो है वो नर है इसमें, और इनों की मादी है, ठीक है, आप इनों की मादी ने एक बेबी इसके अंदर जो है वो पैच आउट किया हुआ है, मैं आपको दिखा सकूं तो थोड़ा सा ज़रा वेट कीजिएगा जी। तो व्यूअर्स, मैं आपको दिखाने में कामयाब हो रहा हूं, और ये आप देख सकते हैं कि ये इनके बेबी हैं, ठीक है, इन्होंने माशाल्लाह से तीन बेबीज जो है वो हैच आउट कर दिए थे, सही है, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि बस अनफॉर्चुनेटली वो एक या दो दिन के बाद जो है वो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सके, सही है। एंड द थर्ड वन मैं आपको दिखा सकता हूँ, बल्कि चौथा, ये भी इसी तरीके से पाइप की वर्किंग है, ठीक है, और इनके ये बेबी निकले हुए हैं, बाकी के बेबी इनके सेल्फ हो गए थे, तो हैंड टेम के जो है वो सेल आउट कर दिए गए, सही है। इनको ये देखें, इनके साथ तो थोड़ा सा ज़रा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा हूँ अभी पिछले कुछ दिनों से, सही है, तो ये थोड़े से ज़रा मजाक मस्ती करते हैं,
ठीक है। बाकी मैं आपको दिखा सकता हूँ तो आइए, ये देखिए, ये इनको मैंने उंगली पे बैठना अल्हम्दुलिल्लाह सिखा दिया है, ठीक है। और अभी मैं आपको एक अगर एक चीज़ दिखा सकूँ तो ये थोड़े से टाइम के बाद, क्योंकि ये पूरा दिन इनके साथ रहते हैं, रात वगैरह के अंदर जिस टाइम पर भी मुझे टाइम मिलता है, ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा सा इनके साथ खेलता हूँ। इंशाल्लाह ताला अगर टाइम मिला तो मैं इसको ज़रूर सेल्फ के ऊपर ले लूँगा, और हैंड फीड के ऊपर, और सेल्फ हैंड फीड तो नहीं कह सकता, थोड़ी सी माजरत, ये एक इनको मैं हैंड ट्रेनिंग के ऊपर ले लूँगा। बड़े फ्रेंडली है, सीटी वीटी भी मार देंगे हाथ के ऊपर आने के बाद। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो ये आगे आप देख सकते हैं, ये फ़ोन चार्जर के अंदर जो है वो वाईफाई के अंदर मारती है, ठीक है। और ये इनके साथ जो है उसी तरीके से, जैसे प्रीवियस मैंने आपको ना दिखाया था चारकोल पाइप, वाइट फेस का जो है वो मेल है, सही है, इनके भी बेबी जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। ये गालिबन मेरा कैमरा आपको दिखा नहीं पा रहा है इस वक्त, ठीक है, तो ये शायद आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बाकी ये के थोड़ी सी कुछ लोगों की सवाल आए थे कि यार आपने दिखाया नहीं अभी तक, ठीक है। असल में कॉकटेल का होता ये है कि अगर ये बड़ा हसास परिंदा है ना, वैसे तो मैं बड़ा फ्रेंडली हूँ उनके साथ, कोई मसला नहीं है, मैं बीज वगैरह भी निकाल लेता हूँ, वापिस भी रख देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि कोई डिस्टर्ब अगर हो जाता है तो वो एज पे से लेंग हटा देता है अपनी, ठीक है, बच्चों को भी फीड करवाना छोड़ता है, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। इस वजह से मैंने थोड़ा सा टाइम दिया कि थोड़े से बेबीज बड़े हो जाएँ, तो फिर मैं आपको जो है वो इनकी ब्रीडिंग की प्रोग्रेस दिखाऊंगा जो मैंने आपको बताया था। इसके अंदर मैंने अभी इतना के छोटे छोटे तो मैंने आपको दिखा दिए, अभी अब आप ये देख सकते हैं ये पेयर, इन्होंने माशाल्लाह से लास्ट क्लच के अंदर 5 फर्टाइल, एक मैंने फॉस्टर कर दिया था, 4 बच्चे इनसे पलवाए और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, सही है। और ये आप ये दोनों देख सकते हैं, ये थोड़े से ज़रा नज़ाकत के साथ बैठे हुए हैं दूर होके, सही है, क्योंकि अभी कुछ भाई आए थे शेड के अंदर शौकीन, तो उनकी वजह से थोड़ा सा ये होगा, ये आ गए हैं फ्रंट के ऊपर कि भाई मेरी भी वीडियो बनाइए, तो इनकी वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है। केस के अंदर भी हाथ डाल सकता हूँ मैं, लेकिन बार बार मैं इनको डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहा। तो ये दोनों आप देख सकते हैं, ये चेरी मार्किंग के अंदर साइनामन पर्ल टाइप का जो पीस होता है, सही है, वाइट फेस के अंदर उसके हैं। लास्ट क्लास में इसके अंदर मेरे पास 2 वी पाइट आए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट हो गए। और ये पेयर इनसे अपने बच्चे बलवाइए या दूसरों के बच्चे बलवाइए, या ये अपने बड़े निकालते हैं, ये बस लकीली चारकोल का मेल है और इसके अंदर क्रीम की मादी है, ठीक है। बट इनके जो चिक्स आते हैं वो सारे के सारे पर्ल आते हैं, ठीक है। और अभी भी इनकी फीमेल ने जो है वो एग्स ले किए हुए हैं, ठीक है, ये आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये बैठी हुई बड़ी प्रोसेस से, ठीक है, और ये भी बड़ी फ्रेंडली है, सही है, और बच्चों की केयर वगैरह भी अच्छे करते हैं, इनके साइज वगैरह भी अच्छे होते हैं बच्चों के। तो मैं कुछ पेयर्स जैसे इनो वगैरह के मेरे पास लगे हुए हैं, ठीक है, मैं उनके बेबीज वगैरह अगर कभी ऐसा होता है कि थोड़े से साइज़ के अंदर फ़र्क आ रहा होता है तो मैं इनके अंदर फॉस्टरिंग कर देता हूँ उसकी। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे साइज़ के अंदर और बहुत एक्टिव, सही है, ये पाइट के हैं। वैसे इनकी थोड़ी सी फैदा मार्किंग अच्छी होती तो ये क्रीम वी पाइट के अंदर आ सकते थे, तो मैं अभी इसको क्रीम पाइट कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इनके एक या दो बच्चे के अंदर जो है वो सिर्फ चेस्ट पे एक मार्किंग आती है। अगर मैं बच्चों की ब्रीड फर्दर करवाऊँ तो मेरे पास इंशाल्लाह ताला क्रीम वी पाइट आ जाएंगे। इनके चेस्ट मार्किंग बिल्कुल क्लियर है, बट इनके शोल्डर मार्किंग के ऊपर जो वी है वो बड़ा है, मतलब ना, तो मैं पाइट के ऊपर हो जाता है बेसिकली दाना ये, ठीक है। तो ये था मेरा सेकंड क्लच कह सकते हैं, सॉरी क्लच कह रहा हूँ मैं, क्लच कह दिया मैं इसको, सेकंड शेड की वीडियो, सही है, क्योंकि सेकंड सेटअप था, सही है, पिछले वाले सेटअप और इस सेटअप के अंदर तकरीबन 3 महीने का फ़र्क है, ठीक है। उससे 3 से 4 क्लच ले चुका हूँ मैं, इससे दूसरा और तीसरा क्लच चल रहा है कुछ का, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो फर्दर वीडियोज़ आपके लिए दोस्तों के लिए दी जाएंगी। इस पर मैंने थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग के अंदर केस का साइज़ बताया, तो जिस तरीके से मेरे पिछले वाले के अंदर 3x3 6 और फिर बॉक्सेस साइड के अंदर 8 फुट की जगह मेरी जो है वो ऑक्यूपाइड हो गई उनके सेटअप के लिए, जिसके अंदर उसके अंदर भी तकरीबन आप समझ लें 8 और 2 तो एक्स्ट्रा थे, वो तो अभी तैयार सेटिंग नहीं हुए, ठीक है।
और इसी तरीके से ये मेरी सिर्फ 4 फुट की जगह ऑक्यूपाई हुई है ना, सही है। फ्रंट फेस तो आपको पता ही है कि अगर आधा फुट का भी फर्क पड़ रहा है, 1.5 फुट का वो होता है, सही है, और 2 फुट का जो है क्या कहते हैं वो ये केज होता है ना, ठीक है। तो आपकी कम जगह के अंदर ज़्यादा पेयरिंग के हवाले से, मतलब समझ लेंगे इस तरीके से 8 और 8 16 मेरे पेयर आ सकते हैं, जिस तरीके से उसके अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 8 पेयर आए ना, तो जगह वो ऑक्यूपाई ज़्यादा हो गई। तो इंशाल्लाह ताला फर्दर प्रोग्रेस और फर्दर डिटेल्स के बारे में जो भी चीज़ मेरे जहन के अंदर आएगी, जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कुछ फीड्स या लोकल फीड, देसी फीड जिसे कह सकते हैं, कि उनके हवाले से कोई ख़ास मिनरल्स, कोई किसी चीज़ की जो है वो ज़रूरत नहीं है, हम जैसा या मसरूफ़ आदमी या जो है वो बर्ड लवर जो है वो टेंशन में आ जाता है, फिर जो है वो दवाई वाले और ये वाले वो हज़ारों रुपए की दवाई, मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, सही है। 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार रुपये की दवाइयाँ लेके आके भी मैंने वही नुकसान उठाया जो कि मैं बिना दवाई लगाए करता, तो बात के अंदर ही थोड़ी सी अकल आई। तो शुरू से प्रॉपर डाइट रखेंगे, सही, इंशाल्लाह ताला आपका बर्ड कहीं नहीं जाएगा, उसके अंदर इतनी सलाहियत होती है, नेचुरल है, जानदार है, ठीक है, कि वो सर्दी गर्मी ये सब चीज़ों को बस थोड़ी सी डाइट का ख्याल रखें, ताकि उनके अंदर इतनी कुव्वत मुदाफ़ियत हो कि वो चीज़ों को अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से जो है वो अपने ऊपर बियर कर सकें, या उनकी इम्यूनिटी सिस्टम या उनका अपना सिस्टम जो है वो उस चीज़ को टैकल कर सके। तो फल फ्रूट्स और मिक्स चीज़ के अंदर कुछ चीज़ें ऊंच नीच करके, ठीक है, फिर सॉफ्ट फूड के अंदर आप इनको दीजिए, ख़ास तौर पे पानी और इस तो इस गर्मी के सीज़न के अंदर ना, सही है, पानी का ख़ास ख़ास ख्याल रखें, ठीक है, कि पानी आप उनको तकरीबन रोज़ से चेंज करके नया डाला करें। एक ये चीज़ थोड़ी सी देख लें, क्योंकि पानी के अंदर बैक्टीरिया बहुत जल्दी आता है, कभी ये बर्ड जो है वो बीट कर देता है, कभी कुछ और जो है वो परिंदे या कीड़े मकोड़े घूम रहे होते हैं, सही है, वो पानी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो आप रोज़ के रोज़ जब चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है वो इससे भी बड़ा फ़ायदा होता है सेट का ना। तो ये एक समझ लें कि ओवरव्यू होता मेरे सेकेंड सेटअप का, सही है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कुछ मज़ीद मालूमात के साथ और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला आपसे जो है वो मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो इंशाल्लाह ताला इसको जो है वो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सही है। सब्सक्रिप्शन बेल आइकन का जो है वो बटन दबा दीजिए, सही है, ताकि जो राइट साइड पर होता है, ताकि जो भी नई वीडियो आए, सही है, मेरी वो सबसे पहले आपके पास पॉपअप हो जाए एंड शो हो, तो आप उसको उससे फ़ायदा उठा सकें। बाकी इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।